हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है कि रामा और श्यामा तुलसी होती है, उनमें से आपको घर में कौन सी लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कैसे पहचाने कि कौन सी तुलसी रामा तुलसी है और कौन सी श्यामा तुलसी है, और घर में किसे लगाना शुभ होता है, और उन्हें कब लगाना चाहिए, कौन से महीने में लगाना चाहिए, कौन से दिन लगाना चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। रामा और श्यामा तुलसी के दो प्रकार होते हैं माना जाता है वास्तु शास्त्र के अनुसार या धर्म ग्रंथों के अनुसार, कि जो तुलसी होती है उसमें भगवान का वास होता है, इसलिए लोग सभी अपने घरों में तुलसी लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, दोनों टाइम पूजा करते हैं। सुबह उसमें जल चढ़ाते हैं, शाम को दीपक जलाया जाता है, क्योंकि उसमें भगवान का वास माना जाता है। तुलसी हर घर में शुभ होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तुलसी लगाना घर में सकारात्मक ऊर्जा और जो सुख समृद्धि होती है उसको लाती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है तुलसी। साथ ही इसके औषधीय फायदे भी बहुत सारे हैं तुलसी के। तो इस वीडियो में यही बताऊंगी आपको कि रामा और श्यामा तुलसी को कैसे पहचाने। तो कौन सी होती है रामा तुलसी और कौन सी श्यामा तुलसी होती है। फर्स्ट है आपकी रामा तुलसी। तो वास्तु शास्त्र के अनुसार वैसे तो दोनों ही जो तुलसी होती है उसके लगाने का अलग महत्व होता है, लेकिन घर में ज्यादातर जो रामा तुलसी होती है वो लगाई जाती है। जो रामा तुलसी होती है उसकी पत्तियां हरी पत्तियां होती हैं, तो आप उसे देख के लगा सकते हैं क्योंकि उसकी बिल्कुल हरी पत्तियां होती हैं पूरी। और जो श्यामा तुलसी होती है उसकी पत्तियां होती हैं वो थोड़ी जो सांवलापन लिए हुई होती हैं। रामा तुलसी आप घर में लगा सकते हैं, ये आपके घर में लगाने का फायदेमंद रहेगी इसको घर में लगाना। घर में आप दोनों तुलसियों में से भी कोई सी भी लगा सकते हैं, दोनों का ही अलग महत्व है। घर में अगर रामा तुलसी लगाते हैं उसकी पत्तियां हरी होती है तो उसे उज्ज्वला तुलसी भी बोलते हैं और रामा तुलसी भी बोलते हैं। तो इनको आप दोनों को ही लगा सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि रामा तुलसी कौन सी है और उसको उज्ज्वला भी बोलते हैं और श्यामा तुलसी कौन सी है। जो रामा तुलसी होती है उसकी पत्तियां होती है वो हल्की मिठास लिए हुई होती है, अगर आप खाएंगे तो हल्की मिठास होगी उनमें। जो रामा तुलसी होती है उसका ज्यादातर पूजा पाठ में यूज किया जाता है, तो सुख समृद्धि बढ़ाती है, सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छी होती है, तो पूजा पाठ में उसका ज्यादा यूज होता है रामा तुलसी का। नेक्स्ट है आपकी कि श्यामा तुलसी कैसी होती है। जो श्यामा तुलसी होती है उसकी पत्तियां हल्की बैंगनी और श्याम कलर की होती है, इसलिए उसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं और उसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं, क्योंकि कृष्ण जी का भी श्याम रंग था और तुलसी का भी श्याम रंग है, इसलिए उसको श्यामा तुलसी या कृष्ण तुलसी भी कहते हैं। इसे आयुर्वेद के अनुसार ज्यादा अच्छा माना जाता है, जो आयुर्वेदिक चीजों में या बीमारियों में यूज लेते हैं उनमें ज्यादा फायदेमंद होती है ये, यानी कि आयुर्वेद के अनुसार इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है रामा तुलसी के मुकाबले श्यामा तुलसी को। तो हमें जो रामा और श्यामा तुलसी होती है उसको कब लगाना चाहिए, कौन से महीने में लगाना चाहिए, तो जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके अनुसार तुलसी को जो कार्तिक मास का गुरुवार होता है उसमें लगाना चाहिए, शुभ और मंगलकारी होता है कार्तिक मास के गुरुवार को लगाना। तो आप देख सकते हैं कि आपको कार्तिक मास के जो गुरुवार होता है उस दिन आपको तुलसी लगानी है घर में लाके, तो आप तो कोई सी भी तुलसी लगा सकते हैं आयुर्वेद के लिए, या फिर आप दोनों भी लगा सकते हैं। जैसे आयुर्वेद के लिए आप श्यामा तुलसी लगा सकते हैं, पूजा पाठ में यूज लेने के लिए, सुख समृद्धि लाने के लिए घर में आप रामा तुलसी का यूज कर सकते हैं। ज्यादातर घरों में रामा ही तुलसी मिलेगी आपको, ज्यादातर घरों में वो ही लगाते हैं हर जगह, तो आप खुद के अनुसार लगा सकते हैं, दोनों भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तुलसी भी लगाने में। तो ये था मेरा वीडियो कि रामा और श्यामा तुलसी में तो आपको कौन सी लगानी है, कैसे पहचाने उनको। तो आप बैंगनी पत्तियों से पहचान सकते हैं उनको कि बैंगनी पत्तियां होती है श्यामा तुलसी की और रामा तुलसी की हरी पत्तियां होती है और वो हल्की मिठास लिए हुई होती है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और अपना ख्याल रखिएगा।